झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। प्राकृतिक के प्रकोप से इस साल सबसे ज्यादा नुकसान अंगूर उत्पादकों को हुआ है। इससे न केवल उत्पादन में गिरावट आई है बल्कि अंगूर की गुणवत्ता भी खराब हुई है, जिसके बाद किसानों ने किशमिश बेचना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में इस साल 1,60,000 टन किशमिश का उत्पादन हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध से कई देशों में खाद्यान्न संकट गहराया हुआ है और कई देशों को होने वाली गेहूं की आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में भारतीय गेहूं की मांग दुनिया भर में बढ़ी हुई है। इस बीच केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल रोक लगा दी है। गेहूं के निर्यात पर रोक से बाजार में भारी उथल पुथल मच गया है। विश्व के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक देश इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल से लागू किया पाम तेल पर निर्यात प्रतिबंध। यदि मई अंत तक नहीं हटाया तो भारत में खाद्य तेल की आपूर्ति की स्थिति बिगड़ सकती है। वहीं सी ने कहा है कि भारत की कोशिशों के बावजूद अन्य स्रोतों से खाद्य तेल की सप्लाई पर्याप्त नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित होने वाले गेहूं के कोटे को कम कर दिया है। इससे उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत बांटा जा रहा है गेहूं वितरित नहीं होगा। इसके बदले कार्ड धारकों को चावल का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में ये व्यवस्था जून महीने से लागू करने की पूरी तैयारी की जा रही है। पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन के निर्यात में अच्छे प्रदर्शन के कारण अप्रैल में उत्पादों का निर्यात बढ़कर 40.2 अरब डॉलर हो गया है। देश का व्यापार घाटा बढ़कर 20.11 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। देश में अप्रैल महीने के दौरान निर्यात 31% बढ़कर 40 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही आयात में भी जोरदार इजाफा देखने को मिला है। एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने और पोल्ट्री फीड की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार मक्के की खेती को विशेष प्रोत्साहन देगी। मक्का खेती का सबसे ज्यादा लाभ किसानों को होगा। घरेलू जरूरतों के लिए मक्के का आयात भी करना पड़ता है, जबकि देश में मक्का खेती की पर्याप्त संभावनाएं हैं। देश में मसालों के कम उत्पादन के कारण जीरे की कीमतें बढ़ी हैं। भारत में कम उपज वैश्विक कीमतों को प्रभावित करेगी, क्योंकि भारत दुनिया में जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 2022 में कुल जीरा उत्पादन लगभग 35% वर्ष दर वर्ष घटकर 558 मिलियन टन होने का अनुमान है। वहीं वित्त वर्ष 2022 में जीरा निर्यात 24% गिर गया है। धनिये का उत्पादन कम देखने को मिल रहा है। किसानों ने तिलहन फसलों की ओर ज्यादा रुख किया है, जिससे धनिये के उत्पादन में कमी देखने को मिली है। वैश्विक स्तर पर भी उत्पादन कम ही रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन 100 लाख टन के पार पहुंच गया है। राज्य में पेराई सीजन 2021-22 समाप्ति की ओर है और चीनी उत्पादन पिछले सीजन के मुकाबले कम है। पिछले पेराई सत्र का लगभग 70% भुगतान हो चुका है और अभी प्रशासन चालू पेराई सत्र का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। मॉनसून से ही भारत का फसली चक्र निर्धारित होता है। हालांकि इस बार मॉनसून समय से पहले ही आ रहा है। आमतौर पर 1 जून को केरल में बरसने वाले बादल इस बार 5 दिन पहले 27 मई से ही बरसना शुरू हो जाएंगे। वहीं मुंबई में भी मॉनसून समय से पहले ही जमकर बारिश करने वाला है। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में आज बस इतना ही। लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।